आज का विषय स्वच्छता, स्वास्थ्य और साक्षरता, थ्री स है और तीनों एक दूसरा से अंतर संबंधित है। लेकिन जब इसको संपूर्णता में देखने का प्रयास यदि हम करना चाहेंगे तो सर्वप्रथम हमें एक एक पक्ष पर विचार करना होगा। स्वच्छता पहला बिंदु रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जीवन का मूल मंत्र है। धरती पर हमेशा के लिए जीवन संभव बनाने के लिए अपने शरीर की सफाई के साथ साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों, खासकर पृथ्वी, जल, वायु और खाद्य पदार्थ को भी साफ रखना आवश्यक है। हम लोग जानते हैं, यह कहा भी गया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, पांच तत्व से हमारा शरीर बना है और इन पांचों तत्व यदि शुद्ध नहीं रहेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो उससे निर्मित शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। गुरुवर प्रोफेसर आरसी सिन्हा ने ठीक ही कहा है कि जहां स्वच्छता है वहीं ईश्वर का वास है। इसलिए स्वच्छता जीवन के मूल मंत्र के रूप में अपनाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आज के कोरोना काल में स्वच्छता का महत्व और भी बढ़ गया है। इसीलिए आज स्वच्छता हमारी जरूरत बन गई है। गांधी के विषय में कहा जाता है कि वे अप्लाइड फिलॉसफी के जनक हैं। कोई भी आज के वर्तमान की चुनौती नहीं है जिस पर गांधी का विचार नहीं आया हो। यद्यपि गांधी ने बहुत पहले कुछ कहा था, लेकिन उसे आज के समय में जोड़कर देखने की जरूरत है। गांधी का कहना था कि हर आदमी को अपनी साफ सफाई खुद करनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई तो देशभक्ति के समान है। अगर आप ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मन की पवित्रता के साथ साथ शरीर की स्वच्छता भी अनिवार्य है। ठीक गांधी कहां स्वच्छता को देशभक्ति से जोड़ते हैं और साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी मानते हैं। इसलिए स्वच्छता जीवन के लिए आवश्यक है और खुद के साथ साथ अन्य जीव जंतु का सर्वाइवल इस पृथ्वी पर रहे उसके लिए स्वच्छता एक अनिवार्य पक्ष है। इसलिए गांधी स्वच्छ भारत का सपना देखा था, लेकिन इस सपना को साकार करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का आगाज 2 अक्टूबर 2014 को किया था और आज किसी न किसी रूप में उसका प्रचार प्रसार और जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय दार्शनिकों ने स्वच्छता के महत्व पर बल दिया है। शरीर, मन तथा आत्मा की शुद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है। यदि हम योग दर्शन को देखें तो योग दर्शन में 8 मार्ग की चर्चा की गई है और उन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत प्रथम जो 2 है, जिसमें यम और नियम की बात की गई है, वहां नियम के अंतर्गत शौच की चर्चा की गई है। श्री शौच के अंतर्गत केवल बाह्य शुद्धता की बात नहीं की गई है, आंतरिक शुद्धता की बात की गई है और खासकर वहां पर स्नान, पवित्र भोजन तथा आसपास की सफाई को बाह्य शुद्धता, लेकिन मैत्री, करुणा, सहानुभूति, प्रसन्नता, कृतज्ञता के द्वारा आंतरिक शुद्धता को अपनाने की बात की गई है। बराबर हमारे गुरुवर प्रोफेसर आरसी सिन्हा इम्पैथी और सिंपैथी की बात करते हैं, तो इम्पैथी और सिंपैथी भी शुद्धता ही है। इसीलिए यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, तो योग दर्शन में पहले चर्चा हुई है नियम के अंतर्गत सदाचार को प्रश्रय देने की बात की गई है।
तो निश्चित रूप से शौच पर बहुत बल दिया गया है। यदि बौद्ध दर्शन में भी देखें तो वहां सम्यक व्यायाम की चर्चा की गई है, मतलब अच्छे विचारों को मन में लाने के पहले जो बुरा विचार है उसको समाप्त करना है, अच्छा विचार हमेशा रहे उसके लिए प्रगतिशील भी रहना, इसे सम्यक व्यायाम की चर्चा वहां की गई है। इसलिए यह स्पष्ट है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा, कि परिवेश को स्वच्छ रखें, क्योंकि परिवेश यदि में स्वच्छता नहीं है तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए स्वच्छता और स्वास्थ्य में बहुत ही गहरा संबंध है। कहीं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है, जैसा कि पूर्व में हमारे दोनों वक्ताओं के द्वारा कहा गया है। इसलिए कहा भी जाता है हेल्थ इज वेल्थ, और स्वास्थ्य अमूल्य धन है। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि आप मन की शुद्धता को जरूर अपनाएं और उसके लिए प्रयत्नशील रहें। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। महात्मा गांधी ने भी स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए कहा था कि शरीर मात्र मल मूत्र की खान नहीं है, वरन यह आत्मा का मंदिर भी है। यह शरीर ईश्वर का है, हम इसकी ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। शरीर का सदुपयोग सेवा के लिए करना चाहिए। इसीलिए उनका मूल मंत्र ही था सादा जीवन उच्च विचार। कहने का मतलब यह है कि शरीर में आत्मा का वास है, और यदि शरीर आपका स्वस्थ है तभी आत्मा का वास हो सकता है। इसलिए स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। लेकिन तीसरा जो बिंदु है वह है साक्षरता। 8 सितंबर, आज 11 सितंबर है, 3 दिन पहले अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। 1966 में विश्व संस्था यूनेस्को के द्वारा पूरे विश्व भर में निरक्षरता मिटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा की गई थी, क्योंकि साक्षरता एक वरदान है तो निरक्षरता एक अभिशाप भी है। गुरुवर प्रोफेसर आर सी सिन्हा ने ठीक ही कहा है कि साक्षरता और शिक्षा में अंतर है। लेकिन जिस शिक्षा की बात या विद्या की बात हम करते हैं उसका प्रारंभिक चरण जो है वह साक्षरता से ही प्रारंभ होता है। और किसी भी देश की पहचान और गुणवत्ता उस देश की साक्षरता पर आधारित होती है। इसीलिए कई कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं जिससे व्यक्तियों को साक्षर किया जा सके, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, पौढ़ शिक्षा है, राजीव गांधी साक्षरता योजना की शुरुआत की गई है, और खासकर नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस पर विशेष बल दिया गया है। साक्षरता क्यों आवश्यक है, यह प्रश्न मन में उठ सकता है, क्योंकि साक्षरता ही ऐसा एक चीज है जो आपको पशु से अलग करता है, आपको अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग करता है, अंधविश्वासों से आपको मुक्ति मिलती है, शोषण से आपको मुक्ति मिलती है, और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास साक्षरता के द्वारा ही संभव है। इसलिए साक्षरता से शिक्षा की यात्रा निश्चित रूप से मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। साक्षरता, स्वच्छता और स्वास्थ्य मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि पूर्व के वक्ता अध्यक्ष अखिल भारतीय दर्शन परिषद प्रोफेसर जटाशंकर जी ने ठीक ही कहा कि साक्षर को यदि आप उलट दें तो राक्षस हो जाएंगे। इसलिए अगर आप पशु से अपने आप को अलग करना है तो साक्षरता आवश्यक है। इसीलिए आवश्यक आवश्यकता पूर्व में 3 ही माना गया था, भोजन, वस्त्र और आवास, लेकिन इन तीनों के अतिरिक्त जो आवश्यक आवश्यकता है वह है साक्षरता, स्वच्छता और स्वास्थ्य। क्योंकि
स्वच्छता और स्वास्थ्य तभी संभव है जब व्यक्ति साक्षर हो। साक्षरता ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आप जान सकेंगे कि स्वच्छता क्यों आवश्यक है। और स्वच्छ यदि स्वच्छ वातावरण नहीं रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए साक्षरता एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप स्वच्छता के मानदंड को सही ढंग से समझ सकते हैं और जीवन को स्वस्थ भी बना सकते हैं। इसलिए साक्षरता यदि साधन है तो लक्ष्य हमारा शिक्षा या विद्या है, क्योंकि दर्शन के विद्यार्थी होने के कारण हम लोग चार पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ मोक्ष को रखते हैं और मोक्ष जीवन का लक्ष्य भी है। इसीलिए अज्ञानता से मुक्ति ही जब मोक्ष माना गया है तो ज्ञान आवश्यक है। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही हम उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा हमारा साधन भी है और साध्य भी है। ऐसे ज्वलंत टॉपिक पर आज रखा गया है, इसके लिए सुधांशु शेखर जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और मुझे तो यह प्रसन्नता हुई कि हमारे पूर्व के दो वक्ता प्रोफेसर जटाशंकर जी और प्रोफेसर आशीष सिन्हा को सुनने को मिला। इसके लिए उन दोनों विद्वान वक्ताओं के प्रति मैं आभार निवेदित करता हूं। और हम देख रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर बी.एन. ओझा जी जुड़ चुके हैं। और निश्चित रूप से मैं यह कहता हूं कि यह जो कार्यक्रम है वह बिहार दर्शन परिषद और दर्शन शास्त्र विभाग टीपी कॉलेज मधेपुरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है और यह आज छठा व्याख्यान हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं खासकर खुशबू शुक्ला को बधाई देता हूँ कि उन्होंने वातावरण की शुद्धता के लिए मंत्रोच्चारण से कार्यक्रम का प्रारंभ करती हैं। वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस रूप में सुधांशु जिस लगन के साथ कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है वह निश्चित रूप से आने वाला कल दर्शन का होगा। और संयोग से हम लोगों का आशीष सिन्हा के प्रति हम लोग आभारी हैं। और मैं प्रयास चाहता हूं कि सर इसी तरह से स्वस्थ रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।